All right, friends. So question number 24. This is your question number 24. Question number 24, page number 11.55. Question number 24, page number 11.55. ये आप homework में try करिए with verification. हाँ, homework with verification पे आप करिए करके ना. तो आपको मैंने solve करके दिया हुआ है. 11.55 से start होके आपका 11.56 तक complete हो जाता है ये. 11.56 तक complete हो जाएगा. ये जरा आप homework में करिए. Okay, friends. ये आपको प्रॉपरली होमवर्क में करना है. सही है, सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर. ओके, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स योर क्वेश्चन नंबर 25. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 25 एंड पेज नंबर 11.61. 11.61 क्वेश्चन नंबर 25. अब फ्रेंड्स हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा भी हो सकता है कि कभी क्वेश्चन में बजटेड प्रोडक्शन इज नॉट गिवन या एक्चुअल प्रोडक्शन इज नॉट गिवन, तो हम क्या करेंगे? इफ द बजटेड प्रोडक्शन इज नॉट गिवन, इफ द एक्चुअल प्रोडक्शन इज नॉट गिवन, तो हम क्या करेंगे, राइट? तो देखिए आप जरा ना फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25. द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ऑफ ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी इज हैज अंडर डायरेक्ट मटेरियल 20 kg एट द रेट ऑफ 1.2, डायरेक्ट वेजेस 6 hours एट द रेट ऑफ 6, ओवरहेड 6 hours एट द रेट ऑफ 2, प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस बजटेड सेल्स 54,000 पर मंथ. एक्चुअल डाटा रिलेटिंग टू योर एक्चुअल सेल्स इज 46,750. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इज 15,000 एंड योर डायरेक्ट वेजेस पेड इज 21,175. एनालिसिस ऑफ वेरियंस, फेवरेबल, एडवर्स, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस, यूसेज, डायरेक्ट वेजेस रेट, एफिशिएंसी, ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड ओवरहेड वॉल्यूम. दिस इज योर डायरेक्ट वेजेस रेट, एफिशिएंसी, ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड ओवरहेड वॉल्यूम. यू आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द डाटा गिवन टू कैलकुलेट एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्राइस पर केजी ऑफ मटेरियल, एक्चुअल रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर पर आवर, अमाउंट ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्ब, बजटेड आउटपुट, ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस, ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, सेल्स प्राइस वेरियंस, सेल्स वॉल्यूम, प्रॉफिट वेरियंस. ओके, अब इसमें फ्रेंड्स अपने को कैसे पता चलेगा कि ये जो कॉस्ट शीट को अपन का जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है, द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर ए प्रोडक्ट, द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी इज एज अंडर डायरेक्ट मटेरियल 20 kg एट द रेट ऑफ 1.2, डायरेक्ट वेजेस 6 hours एट द रेट ऑफ 6, ओवरहेड 6 hours एट द रेट ऑफ ₹2. हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो ओवरहेड है, ये जो हमारा ओवरहेड है, वो वेरिएबल है कि फिक्स्ड है? इसका जो नेचर है वेरिएबल का, जो ओवरहेड का जो नेचर है वो क्या है, फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? तो देखो इसको अगर आप रिक्वायरमेंट देखोगे तो वहां पे दे रखा है ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस, ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस. कैपेसिटी एफिशिएंसी किसमें निकलता है? फिक्स्ड ओवरहेड. कैपेसिटी एफिशिएंसी किसमें निकलता है? फिक्स्ड ओवरहेड में. इट मींस हियर योर बजटेड प्रोडक्शन इज नॉट गिवन, योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज नॉट गिवन, योर बजटेड प्रोडक्शन इज नॉट गिवन, योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज नॉट गिवन. ओके, आप जरा देखिए. ओके, अब आप आ जाइए पहला यही फ्रेंड्स, और इसमें पूछा नहीं है फिर भी मैं आपको लाइक नो रिकैंसिलेशन भी करके बताता हूं. लेकिन आप टेक्निक देखिए कि बजटेड प्रोडक्शन भी नहीं है, एक्चुअल प्रोडक्शन भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे करके ना, वो टेक्निक आप जरा देखिए फ्रेंड्स. आर यू फॉलोइंग फ्रेंड्स? देखो जरा, इट मींस दिस इज योर स्टेप नंबर 1.
statement showing cost sheet. All right, friends. Statement showing cost sheet. Cost sheet always on the basis of budgeted production. Okay. लेकिन budgeted production अपने को नहीं दे रखा है. देखो कैसे करेंगे, friends. This is your budgeted production. Total per unit. First, direct material direct labor fixed overheads total cost profit सेल्स. क्या दे रखा है फ्रेंड्स? 20 केजी एट द रेट ऑफ 1.2, 20 केजी एट द रेट ऑफ 1.2 24 6 आवर्स एट द रेट ऑफ 6 36 overhead 12 rupees per unit. So 24 plus 36 plus 12 is 72. Profit 20% on selling price. 72 20 by 80. 72 20 by 80. 18. 72 18 is 90. Okay, and your budgeted sales is given in the question is 54,000. अगर आपके पास soft copy नहीं है question की तो please बताइए हमें, right? Okay, so 54,000 divided by 90 is 54,000 divided by 90 हमारी number of units हो जाएंगे 600. This part is clear or not? बोलिए. मेरे पास 20 kg material है at the rate of 1.224, 6 hours at the rate of 636, 12 total 72, 18 rupees, 72 20 by 80 means 20% selling price 90, 54,000, right? So 54,000 divided by 90 is 600 units. It means 600 into 24 is 14,400. 36 into 600 is 21,600. 12 into 600 is 7,200. 14,400. 21,600 plus 7,200. 43,200 minus 54 is 10,800. 10,800. ये हमारा क्या हो जाएगा? Step number one, statement showing cost sheet. Step number one, statement showing cost sheet. Say yes or no. Perfect. Step number two, अपने को क्या है friends? बोलो. P&L account. लेकिन इस question में आपको क्या है? कि actual figures भी आपको नहीं दे रखे, मतलब actual output भी आपको नहीं दे रखा है.
पीएनएल अकाउंट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल, लेकिन अपने को एक्चुअल भी नहीं दे रखा है। ये अप्रैल, ओके, अप्रैल 2003 की हम लोगों ने कॉस्ट शीट बनाया है। दिस इज योर अप्रैल 2003, देन यू गो स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट शोइंग योर प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस by sales $46,750 to direct material $15,000 to direct wages 21,175 to fixed overhead and to net profit and to net profit. Say yes or no, friends? Okay. Perfectly clear. पूछा नहीं है लोगों ने, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा में सिखा दे रहा हूं। दिस इज योर स्टेप नंबर थ्री इज योर स्टेटमेंट बोला ही फ्रेंड्स, स्टेटमेंट स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलिएशन, ओके। स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फोर इज एनालिसिस ऑफ वेरियंस फर्स्ट मटेरियल वेरियंस, एनालिसिस ऑफ वेरियंस फर्स्ट मटेरियल वेरियंस स्टैंडर्ड एक्चुअल केजी रेट अमाउंट, केजी रेट अमाउंट देन आर्स रेट अमाउंट, आर्स रेट amount, fixed overhead, budget, actual, units, recovery rate, expense, units, expense, hours, recovery rate, expense, hours, expense। ये क्यों किया फ्रेंड्स? क्योंकि अपने को कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी वेरियंस भी पूछा है उसने, ओके।
then sales margin variance units rate amount units rate amount then material cost variance material usage variance material rate variance labor cost variance labor efficiency variance labor rate variance फिक्स्ड ओवरहेड याद आ रहा है ना फ्रेंड्स. पहले हम लोग क्या ओपन करेंगे अकाउंट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस fixed overhead capacity variance fixed overhead efficiency variance fixed overhead capacity and fixed overhead efficiency then aapka sales margin variance sales margin volume variance and sales margin price variance और आपको सब तो दे रखा है राइट सब सारी चीजें तो आपको प्रिंट करके मैंने दी हुई है राइट तो आप जरा देखिए क्या है फ्रेंड्स अब आप आ जाइए फ्रेंड्स अपने को नहीं पता है कि वॉट इज माई एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है वो मालूम नहीं है तो टेबल को हम लोग फिल नहीं कर सकते बराबर है लेकिन हमको पता है कि डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड है 15,000 डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड है 15,000 एक्चुअल वेजेज है 21,175 डायरेक्ट वेजेज है 21,175 ऑलराइट नो प्रॉब्लम अब आप आ जाइए आगे अपन को दे रखा डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरियंस है 600 एडवर्स प्राइस वेरियंस है 600 एडवर्स यूसेज वेरियंस है 1200 एडवर्स मिलके हो जाएगा 1800 एडवर्स वेजेस है रेट 3025 एडवर्स वेजेस रेट है 3025 एडवर्स एफिशिएंसी है 1650 फेवरेबल 1650 फेवरेबल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस है अपने को फिक्स्ड ओवरहेड अपने को एक्सपेंस दे रखा है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस अपने को दे रखा है 200 एक्सपेंस वेरियंस अपने को दे रखा है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस अपने को दे रखा है 200 एडवर्स और वॉल्यूम अपने को दे रखा है वॉल्यूम अपने को दे रखा है फ्रेंड्स फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम आप जरा देखिए क्वेश्चन में फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम
600 एडवर्स। So yes or no, this is your six hundred adverse. सही है चलो फ्रेंड्स, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स मटेरियल। मटेरियल आपको दे रखा 1800 एडवर्स टोटल वेरिएंस। इसका मतलब यह है कि आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या रहेगा, आपको एक्चुअल कॉस्ट दे रखा है 15,000। इट मींस 15,000 माइनस 1800 इज 13,200 आपका रहा होगा। आपका मटेरियल का रहा होगा 13,200। नाउ 1 kg मटेरियल का क्या रेट है 1.2, इट मींस 13,200 डिवाइडेड बाय 1.2 आपने मटेरियल लिया होगा 11,000 kg। और एक यूनिट को बनाने में कितने केजी मटेरियल लगता है 20 kg। इसका मतलब आपका एक्चुअल प्रोडक्शन रहा होगा 11,000 डिवाइडेड बाय 20 इज 550 यूनिट्स। मटेरियल वेरिएंस इज 550 units. Okay, 1 hour, it means 550 units into 6 hours. 550 into 6 is 3300. Rate per hour is rupees 6 is 19800. Okay, 19800. Now you go to fixed overhead. Fixed overhead mein aapko कुछ मालूम नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिक्स्ड ओवरहेड में अपने को पता नहीं है, लेकिन कॉस्ट शीट से अपने को आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड। व्हाट इज योर फिक्स्ड ओवरहेड 600 यूनिट्स और फिक्स्ड ओवरहेड आपका 7,200। 600 यूनिट्स एंड 7,200। 1 यूनिट इज रिक्वायर्ड 6 आवर्स। 600 into 6 hours is 3600 into 2, 7200 divided by 600 is 12. 600 units, एक यूनिट पे कितना आएगा प्रॉफिट is 10,800 divided by 600 is 18. Say yes or no, friends. Actual units you know, 550. Actual hours you know, वो निकालना पड़ेगा अपने को. Okay. Actual units you know 550. Say yes or no, friends. Are you following or not? Proper. अब आप आ जाइए, friends. स्टेप नंबर 1 कॉस्ट शीट अपना हो गया। स्टेप नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो पहला मटेरियल वेरिएंस अपन देख लेते हैं। 13,200 माइनस 15,000 माइनस 13,200 इज 1,800 एडवर्स। ओके, अब कितना मटेरियल हमको लगना चाहिए था, कितना लगा इनटू 1.2 कितना मटेरियल हमको लगना चाहिए था। इट मींस 550 इंटू 20 11,000 लगना चाहिए था, तो लगा कितना है 1200 डिवाइडेड बाय 1.2 1000। इट मींस हम लोग को मटेरियल एक्चुअली कंज्यूम्ड हुआ है इज 12,000 kg। एक्चुअली कंज्यूम्ड 12,000 kg। ओके,
तो मटेरियल एक्चुअली कंज्यूम्ड 12,000 केजी, आपका प्राइस है 15,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इज 1.25, इट मींस आपका ये 12,000, आपका स्टैंडर्ड रेट क्या था 1.2, एक्चुअल रेट 1.25, इट मींस 1.2 माइनस 1.25 इनटू 12,000 इज 600 एडवर्स। अब आप आ जाइए लेबर कॉस्ट वेरिएंस, क्या कॉस्ट आपने सोचा था, क्या कॉस्ट आपको लगा, आपको एक्चुअल में कॉस्ट लगा 21,175 और आपका ये आ रहा है 1650 माइनस 3025 इज 1375 एडवर्स, 3025 माइनस 1650 1375 एडवर्स, इसका मतलब कितना रहा होगा 21,175 माइनस 1375, आपने सोचा होगा 19,800 लगा कितना 21,175। अब आर्स पे आप आ जाइए, इट मीन्स 3300 माइनस समथिंग इनटू 6, 1650 डिवाइडेड बाय 6 इज 275, फेवरेबल है तो माइनस 3300 इज 3025 आर्स। ओके आ जाइए आप 3025 आर्स, इट मीन्स 21,175 डिवाइडेड बाय 3025 इज 7, इट मीन्स 6 माइनस 7 इंटू 3025, सही है सुनो, सो योर एक्चुअल आर्स विल बी 3025 और एक्चुअल आर्स विल बी 3025, सही है सुनो फ्रेंड्स। अब आप आ जाइए फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड में 7200 है और आपको क्या दे रखा है, एक्सपेंस वेरियंस आपको दे रखा है 200, आपका बजटेड एक्सपेंस 7200, आपका बजटेड एक्सपेंस 7200 और आपको एक्सपेंस वेरियंस दे रखा है 200 फेवरेबल, 200 favorable, it means 7200 200 favorable is 7000, so actual expense 7000, it means 2 bank 7000 by recovery 550, हम लोगों ने units बनाए, एक units का what is the recovery rate, recovery rate per unit, पर यूनिट ऑफ रिकवरी रेट इज 12 रुपीज इंटू 12 550 इंटू 12 इज 6600 बाय अंडर रिकवरी इज 400, सो रिकवर्ड ओवरहेड 6600, एक्चुअल ओवरहेड 7000 एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ लॉस ऑफ 400। कितने यूनिट्स हम लोगों ने सोचे थे 600, कितने यूनिट्स बने 550 इनटू व्हाट इज द रिकवरी रेट इज ए 12, सो 600 माइनस 550 इनटू 12 इज 600 एडवर्स। कैपेसिटी, कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ आर्स 3600 माइनस 3025 ये आपका 7000 एक्चुअल एक्सपेंसेस, ओके 3600 3025 into what is the recovery rate, recovery rate is 2 rupees per hour, it means 2 rupees per hour, it means
6003025 into 2 rupees per hour, 1150 adverse. Now, units and hours, 600 units, 3600 hours. So, if you are producing 550 units, you want 550 into 6, it means 3300 hours. 3300 hours ki jagah aapne actual mein liye 3025 hours. What is the recovery rate? 2 rupees. It means 3300 3025 into 2 is 550. 550 is favorable. So 1150 adverse minus 550 favorable, aapka kya aa gaya? 600 adverse. सब आपको मैंने प्रिंट करके दे रखा है, आप बताइए फ्रेंड्स क्लियर हो रहा है क्या? प्रॉपर ओके? और मैं इसका रिकंसिलेशन भी आपको बना के दिखा देता हूं, ठीक है? अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, सेल्स मार्जिन, हाँ, एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, याद है ना? एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू actual selling price minus budgeted cost, because profit manager is not responsible for cost fluctuation. So what is your budgeted cost? Your budgeted cost is 72. Your budgeted cost is 72, and your actual selling price, is 46750. 46750, it means 46750 divided by 550 units will be actual selling price. 46750 divided by 550 is 85 minus 72, 13, 550 into 13 is 7150. So your actual profit is 7150. क्या profit आपने सोचा था friends? आपने क्या profit सोचा था? 10,800 profit सोचा था. 10,800, उसके सामने प्रॉफिट हुआ 7150, इट मींस 3650 एडवर्स. क्या यूनिट्स आपने सोचे थे? 600. क्या यूनिट्स आ रहे हैं? 550. वन यूनिट का प्रॉफिट क्या है? व्हाट इज योर प्रॉफिट पर यूनिट? 18 रुपीस. एक्चुअल में मिला है 13. 18 की जगह आपको मिला है 13, एंड एक्चुअल यूनिट सोल्ड इज 550. And this is 18. So 600 minus 550 into 18 is 900 adverse, and 18 minus 13 into 550 is 2750 adverse. So 900 plus 2750, 900 प्लस 2750 इज 3650 एडवर्स. अब पहले तो आप ये देख लीजिए कि अपने को क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, और फिर मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि एक्स्ट्रा जो मैंने बनाया है, इजे अपना रिकंसलेशन, राइट, वो मैंने एक्स्ट्रा में बना दिया. आपका एक्चुअल आउटपुट, व्हाट इज योर एक्चुअल आउटपुट? दिस इज योर, वेयर इज योर एक्चुअल आउटपुट? एक्चुअल आउटपुट इज 550. दिस इज योर आंसर नंबर वन. एक्चुअल प्रॉफिट, व्हाट इज योर एक्चुअल प्रॉफिट? वो अपने को पी एंड एल अकाउंट से मिलेगा. हाँ, तो फिक्स्ड ओवरहेड को ले लो. अभी आप एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आपका आ रहा है 7000. एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इज 7000. सो 46750 माइनस 15175 माइनस 7000 is 3575.
3575. This is your actual profit and answer number 2. Actual price per kg of material. Actual price per kg of material. Material का actual price per kg है. This is your answer number 3. Missing figure भी हो गया. Budgeted output भी नहीं दे रखा है. Actual output भी नहीं दे रखा है. सब आपको दे रखा है. हाँ फिर. Actual rate of direct labor hours. Actual rate of direct labor hours. This is your answer 4. Then amount of overhead absorbed. Absorbed means recovered. कितना recover किया अपन ने? 6600. Answer 5. Budgeted output. What is the budgeted output? Budgeted output is 600 units. This is your answer VI. Then overhead capacity variance. Overhead capacity variance. This is your capacity variance answer. Then overhead efficiency variance. Overhead efficiency variance, this one. Sales price variance. Sales price variance. Sales price or sales margin price, one of the same. And sales volume profit variance. सही आंसर और मैंने एक्स्ट्रा में आपको दिया है, जरूरत नहीं है फिर भी मैंने आपको एक्स्ट्रा में दे दिया है रिकंसलेशन बना के, राइट? तो आप 2 मिनट आ जाइए फ्रेंड्स. दिस इज योर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ड्यू टू मटेरियल यूसेज वेरियंस, ड्यू टू मटेरियल रेट वेरियंस, लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम, सेल्स मार्जिन प्राइस. प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट इज 10,800. And profit as per profit and loss account is 3575. Material usage variance. मजे ही है. Material usage variance ये तो अपन को question में दे रखा है. Okay. Material price variance 600 adverse. Material usage variance 1200 adverse. Direct wages rate. Direct wages rate 3025 adverse. Direct wages rate 3025 adverse. Efficiency 1650 favorable. Expense 200, volume 600 adverse, fixed overhead
sorry. Okay, so capacity 1150 adverse and 550 favorable. 1150 adverse and 550 favorable. तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका सेल्स मार्जिन वॉल्यूम 900 एडवर्स 2750 एडवर्स 900 एडवर्स 2750 एडवर्स. अब आप देख लीजिए 10,800 लेस 1200 लेस 600 1650 3025 प्लस 200 लेस 1150 एड 550 लेस 900 लेस 2757 सही है सर. ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में करा दिया है करके ना, ये एक्स्ट्रा में आपको करा दिया है, बराबर एक्स्ट्रा में करा दिया आपको करके परफेक्टली क्लियर होगा. ओके, तो स्टेप नंबर वन आपको क्या था यहाँ पे, सबसे बड़ी खासियत क्या थी, ना तो आपके पास बजटेड प्रोडक्शन था क्वेश्चन में, ना आपके पास एक्चुअल प्रोडक्शन था क्वेश्चन के अंदर. एक्चुअल प्रोडक्शन भी नहीं था, वो भी निकाला, बजटेड प्रोडक्शन भी नहीं है. फिर मैंने रिकंसिलेशन एक्स्ट्रा में बना दिया आपको, तो पता चल गया टैली हो गया क्वेश्चन. फिर एनालिसिस ऑफ वेरियंस मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, ये आपका हो गया. सही है, सुनो परफेक्टली क्लियर. तो अभी मैं उसी टाइप के आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं जहां पे बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन इज नॉट गिवन. बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन इज नॉट गिवन. ओके फ्रेंड्स,